नमस्कार, न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जानलेवा कोरोना वायरस ने कोहराम मचाकर रखा है। हालात ये हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कोरोना संक्रमित हो गए, लेकिन अब एक अच्छी खबर आ रही है। सीएम योगी ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। उन्होंने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि आप सभी की शुभेच्छा और चिकित्सकों की देखरेख से अब मैं कोरोना नेगेटिव हो गया हूँ। आप सभी के द्वारा मुझे दिए गए सहयोग व शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोविड 19 संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या एक नई ऊंचाई पर है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में इस वायरस से रिकॉर्ड 298 और लोगों की मौत हो गई है। 35,156 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोविड 19 संक्रमित 298 और मरीजों की मौत हुई है। ये प्रदेश में एक दिन में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में अब तक कोविड 19 संक्रमण से 12,241 मरीजों की मौत हो चुकी है। ट्विटर पर जानकारी दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उन्होंने कहा है कि चिकित्सकों की देखरेख और आप सभी के प्यार से वो एक बार फिर से स्वस्थ हो गए हैं और अब नई ऊर्जा के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान देंगे और सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ट्वीट आप देख पा रहे हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। आप सभी की शुभेच्छा और आशीर्वाद के चलते वो सही हो गए हैं, ऐसा उनका कहना है। तो ट्वीट कर नेगेटिव होने की जानकारी दी है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार और जय त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जय, सीएम योगी आदित्यनाथ सही हो गए हैं, उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव हो गई है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन मौतों का आंकड़ा प्रदेश में देखें तो लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण लगातार रफ्तार पकड़े हुए था, कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से लोग बढ़ते हुए मरीज नजर आ रहे थे, उसी दिशा में आप देख सकते थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी रिपोर्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव आई थी। उसके बाद उन्होंने अपने घर से ही वर्चुअल मीटिंगें करना चालू किया, समीक्षा करना चालू किया। उसके बाद भी वो कोरोना पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करने के लिए लोगों से मीटिंग करते रहे, लोगों को निर्देश देते रहे। उसके बाद जब आज 14 दिन बाद उन्होंने फिर से रिपोर्ट कराई तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट उनकी निगेटिव आ चुकी है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही, उसको रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अभी देखा जाए तो सरकार पूरी तरह से सफल नजर नहीं आ रही। अभी भी कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मेडिकल संबंधी अगर हम बात करते हैं, मेडिकल संबंधी भी अभी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जिस तरीके की होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरह से अभी रोकथाम नहीं लग सका है, लेकिन सरकार पूरी तरह से कोरोना पर रोकथाम लगाने के पूरे प्रयास करते हुए नजर आ रही है। जी मत जय, राजधानी के क्या हालात हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं राजधानी में बेड्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, ऑक्सीजन को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मंत्री जी अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल में अभी भी लगातार देखने को मिल रहा है कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन और प्लाज्मा की लगातार दिक्कत नजर आ रही है। अगर अभी भी कई ऐसे वीडियो वायरल लोगों को करने पड़ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही है, कहीं पर लोग पहुंच तो रहे हैं लेकिन उसके बाद उन लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा। अगर इनकेस किसी तरीके से उनको बेड खाली होने के बाद भर्ती कर लिया जा रहा है तो सबसे बड़ी जो आज की डेट में समस्या बनी हुई है वो ऑक्सीजन की समस्या बनी हुई है, और ऑक्सीजन मिलने में लगातार दिक्कतें नजर आ रही, जिसके कारण आज देखा जाए तो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं रही तो उसके कारण मौतों के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार का साफ कहना है, लगातार दावा करती हुई नजर आ रही है कि हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, दवाइयां और ऑक्सीजन पूरी तरह से पहुंचा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि यदि अगर सरकार कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन है और मेडिकल संबंधी सुविधाएं पूरी है, तो आखिर फिर वो सुविधाएं दिख क्यों नहीं रही? आखिर ऐसा क्या कारण है कि आखिर इस बीच में, इसके बीच में कौन ऐसा है जिसके कारण इस तरीके की
झूठ सामने नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। ऑक्सीजन की अभी भी दिक्कत है लगातार, मेडिकल संबंधी अगर बात की जाए तो मेडिकल संबंधी अभी पूरी तरह से सुचारू नजर नहीं आ रहा है। हिमांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया जय, तमाम जानकारी देने के लिए।